अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश हैं। और तिहामी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, और टिल फर्दर नोटिस उसके स्कूल्स ऑफ हैं। सो मेरी जो रूटीन है वो थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई है कि मैं सुबह ज़रा लेट उठना शुरू हो गई हूँ। तो आज तो मैंने खैर अपनी खूब नींद पूरी की है। इस वक्त 12:30 हो रहे हैं और 1:30 ऑलमोस्ट 2 o'clock तक शहज़ाद आ जाते हैं। तो मुझे बनाना है जल्दी जल्दी लंच। और लंच के लिए मैंने क्या किया था कि अभी आप मेरी कल रात से वीडियो देखेंगे, और मैंने रात पहले मैरिनेशन कर दी थी चिकन विंग्स की, क्योंकि तिहामी को खाने थे फ्राइड ड्रमस्टिक्स, तो लेकिन ड्रमस्टिक्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसे बोला कि विंग्स कर दूँ, कहते हाँ कर दे। और साथ में मैं बना रही हूँ पोटैटो सैलड, और ये पोटैटो सैलड पहले भी मेरी चैनल पे किसी वीडियो में अपलोड हो चुका है, लेकिन फॉर सम रीज़न वेबसाइट पे मैंने ये रेसिपी अपलोड नहीं की, मेरी शायद मिस हो गई है मुझसे। तो वो एनीवेज़ मैं दोबारा बना रही हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का पोटैटो सैलड होता है, और जो पोटैटोज़ लाइक करते हैं उनको ये सैलड तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज का डिनर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इटालियन साइड पर है, और मेरी फैमिली को इस तरह के डिनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो टिपिकल रोटी सालन वाले होते हैं ना, वो भी शौक से खाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बने तो फिर सही सारे जो है ना मज़े से खाते हैं। तो खैर बाकी ये है कि मैं फिर अभी स्टार्ट करती हूँ, और मिशारी को पहले देख लूँ, उसे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा दूँ, अभी हम उठे हैं। और उतनी देर में मैं क्या करूँगी कि पोटैटोज़ जो है ना वो बॉइल करने के लिए रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी चले स्टार्ट करते हैं और देर नहीं लगाते, चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैंने चिकन विंग्स को वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, और अब मैंने एक पैन में ले लिया है 1 cup पानी, और उसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ 1/2 cup, और इसको मैं हीट पे इतना सा गर्म करूँगी कि बस सॉल्ट मिक्स हो जाए। बॉईल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको मिक्स करना है। जो ही मिक्स हो जाए सॉल्ट तो चूल्हा बंद कर दें, और बस उसके बाद आप इसमें डाल दें 3 cup ठंडा पानी, ताकि बिल्कुल रूम टेम्परेचर या उससे भी थोड़ा ठंडा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो ओवरऑल हमने ये जो एक 4 cup का मिक्सचर बनाया पानी का, ये गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर अब हमने डाल दिए हैं चिकन विंग्स, और इसको हम डाल के 1 घंटे के लिए रख देंगे। देखने में ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। जो हम KFC वगैरह में चिकन खाते हैं और वो अंदर तक फ्लेवरफुल होता है, उसकी यही रीज़न होती है कि उसको उन्होंने सॉल्ट वाटर में डिप करके रखा होता है। तो जब तक बन रहा था, मतलब मैरिनेशन का मैं वेट करी थी सॉल्ट वाली, तो उस वक्त तक मैंने सोचा कि डिनर वगैरह बना लेती हूँ, बच्चों को उनके खाने मैंने दे दिए थे, आज सिर्फ अपना खाना शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं पराठे खा लूँ और फ्रोज़न, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं स्पाइस मिक्स प्रिपेयर कर रही हूँ जो चिकन लेग पीस मैंने बनाने हैं उसके लिए। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, उसके बाद जा रही है पेपरिका पाउडर, और साथ में जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें जाएगा अनियन पाउडर, अनियन पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट और ब्राउन शुगर। लाइट ब्राउन शुगर है, डार्क ब्राउन नहीं है, उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर छोड़ भी सकते हैं, इससे मीठा नहीं होता लेकिन एक फ्लेवर डिफरेंट किस्म का डेवलप होता है। ये जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है कि ये बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, ओवरली स्पाइसी नहीं है, और बच्चे शौक से खाते हैं, और एक डिफरेंट सा इसका फ्लेवर डेवलप होता है। तिहामी को बहुत पसंद है, और जिस तरह से हम KFC फ्राइड चिकन बनाते हैं, सही पावरफुल किस्म का उसका क्रंच होता है, और उस तरह का क्रंच नहीं है इसका, हल्का फुल्का सा लाइट सा बिल्कुल इसके ऊपर क्रंच आता है, तो बच्चे बहुत शौक से मज़े से खा लेते हैं। और बस वो मैंने मिक्स बना के उसका स्पाइस का रख दिया है, और अब मैं मिशारी के लिए कैटल में पानी रख रही हूँ। ये कैटल मैं ऊपर ले जाती हूँ फीडर्स वगैरह के साथ, और दूध का एक कंटेनर ऊपर रखा होता है और एक मैंने नीचे रखा होता है, तो रात में जिस वक्त उसको दूध चाहिए होता है तो मैं बना के दे देती हूँ। ठंडा और गर्म पानी मिक्स कर लेती हूँ ताकि उसका गला ख़राब ना हो।
और यहाँ पे मैं देख रही हूँ हम टीवी का ड्रामा झूठी, जो कि आजकल मेरा बहुत फेवरेट जा रहा है। तो खैर, यहाँ पे ये स्पाइस मिक्स जो मैंने रेडी किया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो अनियन पाउडर है उसके थोड़े थोड़े से लम्ब्स बने हुए हैं उनको मैं तोड़ दूँगी, और बस प्रॉपरली आप मिक्स कर लें। और जो अचार होता है, कभी नेशनल का ले लेती हूँ, कभी शान का अचार तो मेरा फेवरेट है, और उसमें मैंगो पिकल जो है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो पराठे जो है वो अचार से खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। साथ में मैंने बना ली है चाय अपने नौश किचन रूटीन चैनल वाले कप में, जो शहजाद ने मुझे गिफ्ट किया था, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा स्वीट एंड लो डाल दिया है, और थोड़ा सा लो फैट जो एवेपोरेटेड मिल्क है वो डाल दिया, और मेरी ज़बरदस्त किस्म की चाय जो है वो हो गई है रेडी। बच्चे डिनर कर चुके थे और मैं साथ साथ देख रही हूँ ड्रामा, और साथ साथ मैं डिनर कर रही हूँ, और उतने में वेट कर रही हूँ कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉल्ट वाटर में अपना 1 घंटा गुजार ले, और उसके बाद जो स्विमिंग अच्छे से कर लेगा फिर हम उसको ज़रा दोबारा उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी कोटिंग के लिए जो है ये बनाया है, एक अंडा है और इसके अंदर मैंने डालना था लबन, लेकिन चूंकि मेरे पास लबन नहीं थी और योगर्ट मेरी काफ़ी थिक थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो आपके पास अगर पतली योगर्ट है तो जस्ट योगर्ट इनाफ होगी। 1 घंटा गुजर गया तो मैंने ये पानी जो है वो ड्रेन कर दिया, और इस क्लिप को मैंने एडिट नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने बिल्कुल भी सॉल्ट वाटर इसका ड्रेन करने के बाद इसको वॉश नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तकरीबन 1 साल पहले ये विंग्स ड्रम स्टिक्स बनाई थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था कि कहीं पर हमारा ये जो हम बनाएंगे ड्रम स्टिक्स वो सॉल्ट से भरी हुई तो नहीं होंगी। तो नहीं, बिल्कुल भी भरी हुई नहीं होती, बस ये कि अच्छी तरह से आप इसका सॉल्ट ड्रेन कर लें। ये देखें आपके सामने पड़ा हुआ है और मैं इसे उठा के स्पाइस मिक्स में डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से स्पाइस मिक्स जो है वो इसके ऊपर रब कर दूंगी, और कोशिश करूंगी कि सारी अच्छी तरह से सारे विंग्स जो हैं प्रॉपरली कोट हो जाए। और अब मैंने जो योगर्ट और लबन का मिक्सचर बनाया था, योगर्ट और लबन योगर्ट और एग का जो मिक्सचर बनाया था उसको अब मैंने डाल दिया है इसमें विंग्स में, और इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और मैं अब इसको सारी रात मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और नेक्स्ट डे बाकी की मैं फ्राइंग जो है वो करूंगी। किसी भी चीज़ से कवर कर दें या तो फिर किसी लिड वाले कंटेनर में डाल दें, और इन माय केस मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दी थी, अच्छे से कवर कर दिया था और बस काम खत्म। The next day. और अगला दिन शुरू हो चुका है बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के साथ, और अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है यहाँ से रात की रानी की, और बहुत ही मज़ा आता है, वो दिन भर आती रहती है खुशबू लेकिन रात में तेज़ हो जाती है। तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया है और जो भी पतीले थे रेलिवेंट पतीले वो मैंने ऊपर रख दिए चूल्हे पर, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ एल्बो मैकरोनी। और उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक बिग साइज़ का जो प्याज है वो मैंने कट कर लिया है, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और बाकी मैं ऐड कर दूंगी बटर। और इसको मैं इस तरह से मिक्स करूंगी कि बस ये अनियन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करने। और टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 बहुत बड़े साइज़ के, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ होता है कि जैसे किन्नू का जो साइज़ होता है ना उस साइज़ के टमाटर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, और वो मैं लेती हूँ। तो उस हिसाब से आप देख लें कि आपको कितने टमाटर यूज़ करने हैं। इसमें सॉस जो है वो टोमेटो की वजह से ही मज़े की लगती है। तो इनको मैं क्या कर रही हूँ कि इनको मैं चॉप कर रही हूँ मोटा मोटा सा, और उसके बाद मैं इसमें अपने मैनुअल चॉपर में डाल के तो चॉप कर लूँगी। और ये अनियन जब सौते हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, और इनको भी अच्छी तरह से मैं स्टर कर लूँगी। अब मैंने लिड रख के इसको कवर कर दिया था जब तक के टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और उनकी कच्ची खुशबू जो है ना वो ख़त्म हो जाए।
जब सब कुछ पक के रेडी हो गया है तो फिर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, और ब्लेंडर में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आई थिंक थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। और इस तरह से ये होता है कि तिहामी को कोई भी प्याज और टमाटर वगैरह नज़र नहीं आता। वैसे तो वो सालन हर चीज़ आपने देखा है वो खाता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे कोई मोटा सा टमाटर या मोटा सा प्याज नज़र आ जाए तो उसको निकाल देता है, साइड पे कर देता है। तो पास्ता चूँकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन से भरी हुई वो निकाल के साइड पर रखे। तो अब मैंने वापस इसे रख दिया है फ्लेम ऑन करके, और मैंने इसमें डाल दिया है चिली सॉस और सॉल्ट पेपर और साथ में टोमेटो प्यूरे। टोमेटो पेस्ट अगर या प्यूरे आपके पास नहीं है तो आप इधर केचप भी डाल सकते हैं, और केचप भी नहीं है तो एक या दो टमाटर एक्स्ट्रा डाल लें, लेकिन केचप या प्यूरे से जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, हर चीज़ यकजान हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी वेपरेट हो जाए, ताकि श्योरिटी हो जाए कि ये जो ग्रेवी है ये अच्छी तरह से रेडी हो गई है। तो इसके बाद मैंने इसमें 1.5 पैकेट जो है वो पास्ता का डाल दिया है, और बस इसे मिक्स करूंगी। कुछ इसको जो है वो भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस मिक्स करना है और इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी मैं इस तरह से डालती हूँ कि पास्ता अच्छे से कवर हो जाए, और फिर इसको ढक्कन दे के मैं इसको पका लेती हूँ, और पानी ख़त्म होता जाए तो मैं बीच में पानी और ऐड करती जाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है पास्ता को पकाने का। कुछ लोग उसको बॉईल करके तो डिस्कार्ड भी कर देते हैं पानी को, तो एक ही बात होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है। और हाँ ये है कि उसकी काफ़ी सारी स्टार्च जो है वो वेस्ट हो जाती है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप पास्ता को पहले सेपरेटली बॉयल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कोटिंग तैयार कर रही हूँ। मैंने लिया है मैदा और इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, और ये चिकन विंग्स के लिए मैं कोटिंग बना रही हूँ। और इसके अंदर साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसको अब मैं मिक्स कर लूंगी, और इसके अंदर हम कोटिंग करेंगे चिकन विंग्स की। कोटिंग आपने इस तरह से करनी है कि अच्छी तरह से जो विंग है ना वो सारा का सारा कोट हो जाए मैदे में, और कोई भी उसका पोर्शन जो है वो अनकवर्ड ना रह जाए। अच्छे से आपने कोट करना है, और 15 से 20 मिनट विंग्स को पड़ा रहने दें इसी तरह। और उसके बाद जब आप फ्राई करने लगेंगे तो दोबारा से आप एक दफ़ा कोटिंग कर लेंगे। अभी ये देखें, ये चीज़ मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी। आप चाहें तो स्टार्ट में भी जिस वक्त पास्ता डालते हैं पानी ऐड करते हैं उसी वक्त आप चिकन क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर दी हैं, और इनकी वजह से चिकन वाला फ्लेवर हो जाता है। अब ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्राइंग का। मैंने इसमें एक स्क्यूअर डाल के देखा और इर्द गिर्द बबल्स इकट्ठे हो गए थे, तो इसका मतलब है कि अब जो ना फ्लेम मीडियम था और अब ऑयल रेडी है फ्राइंग के लिए। तो इसमें मैं एक दफ़ा दोबारा से कोटिंग करके तो विंग्स डाल रही हूँ, और तकरीबन 8 to 10 मिनट्स में विंग्स रेडी हो गए थे। और इस तरह से कि उनको डीबोन करना भी बहुत आसान था, बोन सारी अंदर तक जो है वो गल चुकी थी, और जो मीट है वो बोन से बहुत आराम से जो है वो सेपरेट हो रहा था। और ये देखें, मीडियम फ्लेम का फ़ायदा फिर ये होता है कि ये नहीं कि ऊपर से कोटिंग जल जाए और अंदर से जो है वो जो चिकन है वो पका ना हो। सिर्फ चिकन पकाना ज़रूरी नहीं होता, वो जो बोन है उसको भी अंदर तक पकाना ज़रूरी होता है, ताकि ये नहीं है कि वो बोन का ब्लड जो है वो बाहर मीट में आ जाए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। और 1 या 2 विंग्स को फ्राई करके फिर आप देख सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सही से फ्राई हो गए हैं या नहीं। और यहाँ पे चूंकि मैं हो गई थी काफ़ी लेट, तो शहजाद मुझे हेल्प करा रहे हैं, और मैं 1 kg पोटैटोज़ का सैलड बना रही हूँ। यस, हम क्रेजी हैं, आप सही सोच रहे हैं। तो इस वजह से मैंने 4 अंडे लिए हैं, वरना आपको मैं 1/2 kg पोटैटोज़ की रेसिपी दूंगी। मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ कि एक तो माशाल्लाह शहजाद की डाइट अब एक्सरसाइज की वजह से थोड़ी ज़्यादा भी है, और दूसरी बात ये कि तिहामी जो है ना सैलड, ये वाला पोटैटो सैलड, इसको सैंडविच बनवा के तो माशाल्लाह दिन रात खाता है, उसे इतना पसंद है। और आपके बच्चों को भी ये खैर बहुत मजे का लगेगा। तो पहले हम इसे सैलेड के तौर पे खा लेते हैं, और नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में मैं इसको मैश करके तो तिहामी को सैंडविच बना देती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सेपरेट स्मॉल सा बोल ले लिया, और उसमें मैंने डाली है मेयोनेज, और साथ में डाल दी है दही। और मेयोनेज़ मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। मेयोनेज़ ज़्यादा डलती है इसमें, योगर्ट कम डलती है। एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है, वहाँ से देख लें। और इसमें मैंने डाल दी है मस्टर्ड पेस्ट।
अगर आप नहीं चाहते तो मस्टर्ड पेस्ट या अवेलेबल नहीं तो नहीं डालें, लेकिन जो उसका फ्लेवर है ना वो बहुत कमाल का है। और यहाँ पे आपने डालने हैं पिकल क्यूकम्बर्स, मेरे पास पिकल क्यूकम्बर्स नहीं थे तो मैंने ये रेलिश था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक ही बात है, आप पिकल क्यूकम्बर्स भी चॉप करके डाल सकते हैं। और बस इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी सी पेपर, और ये मैंने मिक्स कर दिया, और ये बहुत क्रीमी सी जो सैलड की जो ड्रेसिंग है वो रेडी हो गई है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको लगे कि ये ड्रेसिंग थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको थिन आउट कर सकते हैं। और जिस वक्त आपने पोटैटोज़ में मिक्स किया है, मैंने किया है, उसी टाइम पे आप इसके अंदर अनियन चॉप करके भी डाल दें, और साथ में वो भी डाल दें जो अंडे बॉईल किए हुए हैं और मैश किए हुए हैं। लेकिन मुझे चूंकि याद नहीं रहा था तो अंडे मैंने पहले डाल दिए हैं और बाद में मैं लास्ट में अनियन डालूंगी। एक और चीज़ जो मैंने इस बार ऑब्जर्व की है, जो कि लास्ट टाइम ये चीज़ नहीं थी, पोटैटो सैलेड में जो है ना वो पोटैटोज़ का टेक्सचर और उनका जो जो शेप है वो नज़र आए तो वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है आईज़ को, पोटैटो सैलेड। तो ये आप लेकिन देखें कि मुशी सा लग रहा है, हालांकि पोटैटोज़ बिल्कुल अपनी शेप होल्ड किए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा जो है वो उसको फ़ॉर्क से चॉप करती हूँ, जो एग्ज़ होते हैं तो वो इतना फाइनली चॉप नहीं होते, कोर्सली चॉप होते हैं, तो वो कहीं कहीं पे वो लगते हैं मिक्स होते हुए। लेकिन यहाँ पे इतनी फाइनली चॉप हो गए थे कि वो जब क्रीम उसमें ऐड हुई है तो सारी जो योग थी ना उसने पोटैटोज़ को अच्छी तरह से कोट कर दिया था। तो इस चीज़ को अगर आपने अवॉइड करना है तो आप फॉर्क से उसको चॉप कीजिएगा एग्स को। और यहाँ पे ये देखें रेडी हो गई, कितना अच्छा कलर है पास्ता का, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी मैं इसमें एंड पे बिल्कुल दम लगाने से पहले मैं इसको लेमन भी डाल देती हूँ इसके अंदर। और ये विंग्स थे, और ये था पोटैटो सैलेड, और ये था हमारा ज़बरदस्त किस्म का डिनर। और ये देखें इसकी जो क्रस्ट है ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा क्रंची है, क्रंची है बिल्कुल है, लेकिन यह है कि वो नहीं है कि बहुत हार्ड वाला क्रंच है कि बच्चे इंजॉय ना कर सकते, के बच्चे इस क्रंच को भी बहुत शौक से खाएंगे। और स्पाइसी तो ये विंग्स बिल्कुल नहीं होते, तो बच्चों के लिए बहुत ही मज़े का स्नैक है। और यहाँ पे अब हम सारी फैमिली बैठ गए हैं, मिशारी को आजकल हम हैबिट डाल रहे हैं कि वो हमारे साथ बैठ के लंच किया करे, उसी के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा चेयर मंगवाई है, और तब से वो इंजॉय करने लग गया है। थोड़ा सा वो मुंह ज़रूर बनाता है, थोड़ा सा उसे गैग्स आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पोटैटो सैलेड उसने ट्राई किया तो उसे गैग्स आने लग गए हैं। लेकिन इसी तरह ही बच्चे नए नए टेस्ट डेवलप करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको हर चीज़ खाने की आदत हो जाती है। तो तिहामी के बाद मैंने क्या गलती की थी कि मैं स्पाइसी चीज़ें उसे बिल्कुल भी नहीं खिलाती थी। पहला पहला बच्चा था तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस वाली मैं मदर होती थी, तो उस चीज़ का मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा कि 5 ईयर्स का भी हो गया था तिहामी तो स्पाइसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता था, और मेरी लाइफ काफ़ी मुश्किल हो गई थी कि कोई चीज़ वो खाता नहीं था। मिशारी जो है वो उसको हम हर चीज़ खिलाते हैं, हाँ जो बिरयानी जैसे कह लें कि एक्स्ट्रा स्पाइसी होती है उस तरह की चीज़ें हम इसको नहीं खिलाते, लेकिन फिर भी स्पाइस अच्छी खासी ये रेगुलर खानों में जो हमारी होती है वही खाने ये भी खा रहा होता है हमारे साथ बैठ के। और जो भी हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि अगर वो बच्चों की सेहत बनाना चाहते हैं ना, उनको दिल चाहता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो गोलू मोलू से हों, तो वो अपने बच्चों को खुद खाना खिलाया करें, क्योंकि बच्चों पे जो है ना फादर का फिर भी एक रोब होता है। एटलीस्ट मैंने तो यही देखा है हर जगह, यहाँ मेरे घर में भी ऐसे ही है कि शहजाद से खा लेते हैं दोनों बच्चे, लेकिन मेरी दफ़ा तिहामी तो फिर भी मान लेता है, लेकिन मिशारी बहुत तंग करता है तो शहजाद उसे हमेशा अपने साथ बिठाते हैं। अनानास लेकर आए और तो कुछ नहीं खाया हाँ है। ठीक है, नहीं मैंने कहा शायद सोडा लाने का क्या गर्म है। ओह यस ओह यस ओह यस, मैं अपना खाना छोड़ के इनका रिव्यू देने बैठी हूँ। ट्वर्लिंग माय फिंगर ओवर ओवर वाह विंग खा के देखे ना, उड़ रहा हूँ सर, मुझे रोके ना कोई प्लीज। हाँ जी आपको विंग्स लग गए हैं, मुझे उतरने नहीं दिए नीचे। आपको भी अच्छा लगा, थैंक यू यार, याशिक रह दिया। फ्राइड नॉम्स जी, आपको भी अच्छा लगा। रिव्यू लेना आज, हाँ जी वो भी बता रहे। कैसे लगे आपको, आपके विंग तो अभी हॉट है, विंग तो आपको दिया नहीं हमने। बाबा का भी पूछूं, अच्छा बाबा आप भी बता दें।
या से भी, या आप भी बता दें। बहुत मुझे कर तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मुझे सबसे अच्छी इस वीडियो में बात ये लगी कि तहमी ने विंग्स का नाम फ्राइड नॉर्म्स रख दिया है और बिरयानी को कुक नॉर्म्स कहता है और जो केक्स वगैरह होते हैं उनको बेक नॉर्म्स कहता है। उसने मेरी चीज़ों के साथ नॉर्म्स लगा दिया है और मुझे बड़ा क्यूट नाम लगता है ये। तो खैर, और मिस्टर मिशी जो है वो खाना खा के अभी आप देखेंगे कि अपने लिए क्लैपिंग भी करवाएंगे। हमने ये एक चीज़ स्टार्ट की हुई तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया कि मिशी जब भी खत्म करता है तो हम सब जो है ना जोर जोर से क्लैप करते हैं, बल्कि कहना चाहिए तालियां पीटने लग जाते हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और वो बड़ा खुश होता है, फिर शौक से वो खाना खाता है कि मेरे लिए क्लैपिंग होगी। और फिर उसने एक नई चीज सीख ली है कि जब मैंने खाना नहीं खाना तो मैं क्लैप करने लग जाऊं, इसका मतलब है कि मैंने खाना बस कर दिया है। तो खैर, इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और जरूर बताइएगा कैसी लगी। और अपने बच्चों के लिए विंग जरूर बनाइएगा, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और बहुत सॉफ्ट और जूसी सा चिकन बनता है ये, तो इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी सब दुआएं कबूल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।